इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। कमलनाथ आज करेंगे प्रभारी सचिवों के साथ बैठक। सभी जिलों का दौरा कर लौटे प्रभारी सचिवों से फीडबैक लेंगे। प्रभारी सचिव कमलनाथ को सौंपेंगे नेताओं की समीक्षा रिपोर्ट। निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। समीक्षा के बाद बदले जा सकते हैं कई जिलाध्यक्ष। आलाकमान ने संगठन सर्जरी के लिए कमलनाथ को दिया फ्री हैंड। कमलनाथ आज करेंगे प्रभारी सचिवों के साथ बैठक। खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकुर जी की ओर। अंकुर जी, सभी जिलों से जो प्रभारी सचिव फीडबैक लेकर आए हैं, दौरा कर लौटे हैं, उन सचिवों से आज कमलनाथ बैठक करेंगे, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बैठक के, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद जैसे तैसे आ पाई थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो सियासी घमासान मचा था, उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में देखने में आया था कि भाजपा की सरकार फिर से बन गई थी, और अब इसमें किस तरह से क्या कांग्रेस में परिवर्तन किया जाना है, उसको लेकर प्रभारी सचिवों को भेजा गया था अलग अलग जिलों के दौरे पर कि वहां जाकर देखें कि संगठन की क्या स्थिति है, कांग्रेस में कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से लोग निष्क्रिय हैं। सभी जिलों में ये प्रभारी सचिव गए थे। प्रभारी सचिव आज लौटकर कमलनाथ के साथ बैठक करेंगे। निश्चित तौर पर वो सभी जिलों की अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, कहाँ संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसको लेकर आज अपनी रिपोर्ट वो सौंपेंगे, फिर पूरा फीडबैक देंगे निश्चित तौर पर। और उसके बाद कमलनाथ ये फैसला लेंगे कि कहाँ के जिलाध्यक्षों को बदला जाना है, कहा के ब्लॉक अध्यक्षों को बदला जाना है। इसके लिए आला कमान ने भी पूरा फ्री हैंड दे दिया। निश्चित तौर पर कहेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव अब आने वाले हैं, ऐसे में नगरीय कम से कम उपचुनाव का बदला कांग्रेस चाहती है, नगरीय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से लिया जाए। इसी को लेकर आज ये पूरा फीडबैक और प्रभारी सचिवों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी कमलनाथ को दिया जाएगा, और पीसीसी चीफ कमलनाथ इनसे फिर जी। अंकुर जी, क्या इस बैठक को नगरीय निकाय चुनाव से जोड़ा जा सकता है? निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव सर पे, अभी तो और कोई चुनाव है नहीं, ना लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का कोई चुनाव है, सर पे नगरीय निकाय चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव है, मंडियों के चुनाव है, और अन्य छोटे चुनाव है, तो उनको देखते हुए संगठन को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है मध्य प्रदेश में, इसके लिए पूरी तरह से आला कमान ने कमलनाथ को फ्री हैंड दे के रखा है कि जहाँ जो वो परिवर्तन करना चाहे वो परिवर्तन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जिला अध्यक्षों पर भी, कई जिला अध्यक्षों पर भी इस पर गाज गिर सकती है, और नगरीय निकाय चुनाव की एक तरह से ये पूरी तैयारी है। जी अंकुर जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए धन्यवाद, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। कमलनाथ आज प्रभारी सचिवों के साथ बैठक करेंगे, वो प्रभारी सचिव जो सभी जिलों का दौरा करके लौटे हैं, सभी सचिवों से फीडबैक ली जाएगी। प्रभारी सचिव कमलनाथ को नेताओं की समीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। आला कमान ने संगठन में बदलाव के लिए कमलनाथ को फ्री हैंड कर दिया है कि वो जो भी बदलाव करना चाहे कर सकते।